अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद मी। और आज हमारे किचन में बना है चिकन चिली पिज्ज़ा। इटालियन रेस्टोरेंट स्टाइल पिज्ज़ा है जो कि मैंने आज आपको बनाना सिखाऊंगी। और आज हमारे किचन में यही पिज्ज़ा बना है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, जितना ये लग रहा है इससे ज़्यादा ये डिलीशियस होता है। तो चलें ये यूनिक एंड डिलीशियस पिज्ज़ा बनाने का तरीका देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। एक बोल ले लेंगे, उसमें 3 कप मैदा लिया है मैंने, ये डाल देंगे। अब 1/2 टीस्पून नमक है ये इसमें डाल देंगे, 1 टेबल स्पून ड्राई यीस्ट, 1 टेबल स्पून शक्कर, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 3 टेबल स्पून बटर लिया है मैंने, मक्खन ये इसमें चला जाएगा। 1 अंडा है ये इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। अब मैंने 1 कप दूध ले लिया, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको गूंदते जाएंगे, अच्छी तरह से गूंदेंगे और एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। अगर डो थोड़ी सी पतली लगे तो थोड़ा सा मैदा भी डालकर इसको बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। डो को हमने अच्छी तरह से गूंद दिया है। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए। जब तक डो राइज हो रही है हम इसकी सॉस बना लेते हैं। मैंने एक प्याली में थोड़ी सी 1/2 कप से भी थोड़ी कम मायनीज ले ली है, उसके अंदर मैं ये 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डाल दूंगी। ग्रीन चिली सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप हरी मिर्चों को पीस कर उसकी भी एक सॉस बना सकते हैं। गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, काले मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और ये शिमला मिर्च है जिनको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है, फाइन चॉप करना है, ये इसमें डाल देंगे। ग्रीन फूड कलर है जिसके मैं 1-2 ड्रॉप्स डाल दूंगी उसको अच्छा सा ग्रीन कलर देने के लिए। मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छी सी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, इसको साइड पर कर देंगे। राइज हो चुकी है, इसको हम पंच कर लेंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए इसकी सारी, और जितनी हमें डो की ज़रूरत होगी हम इसमें से ले लेंगे, बाकी साइड पर कर देंगे। मकई का आटा मैंने डस्ट कर दिया इसके ऊपर, मैदा नहीं लेना है, मकई का आटा यूज़ करना है इस टाइम पर। डो को रखेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। इस तरह से मैंने एक रोटी बेल ली है इसकी। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, अब मैं इसको इसके ऊपर डाल दूंगी। इस तरह से इसको प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। अब जो ग्रीन सॉस हमने बनाई थी उसको हम इसकी कॉर्नर्स पर पूरी एक लाइन बनाकर लगा देंगे इस तरह से।
पूरी हम चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से ये मैंने चारों तरफ लगा दिए, ग्रीन सॉस की एक लाइन बना दी है। अब हम इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से पलटते जाएंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से इसको बंद कर देंगे। अच्छी तरह से अब हम एक सीजर्स ले लेंगे और इस तरह से इसको काटते जाएंगे। सारे इसी तरह से काट लेंगे चारों तरफ से। चारों तरफ से कट लगा लिया है हमने। अब हम इस तरह से ही उठाएंगे और इसको इस तरह रखते जाएंगे। सारे चारों तरफ से हम इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह से हम इसके कॉर्नर्स तैयार कर लेंगे। अब सेंटर में हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस सब पूरे पे फैला देंगे। अब ये मोज़रेला और चैटर चीज़ है जिसको मैंने श्रेड कर लिया है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। पूरे पे चीज़ फैला दिया हमने। अब हम ये शिमला मिर्च और टमाटर है ये रख देंगे। शिमला मिर्च और टमाटर की भी एक लेयर मैंने लगा दी। अब जो चिकन हमने बनाया था उसकी एक लेयर लगा देंगे। चिकन के लिए लगा दी। अब मैं ऊपर से चेडर और मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी। इसकी एक लेयर एक और लगा देंगे। चेडर चीज़ की एक लेयर लगाने चेडर और मोज़रेला चीज़ की एक लेयर लगाने के बाद अब ये ऑलिव्स हैं ये मैं ऊपर से डाल दूंगी। ऑलिव्स के बाद ऑलिव्स लगाने के बाद हमने शिमला मिर्च और टमाटर भी थोड़ा सा और रख दिए हैं उसके पीसेस, ताकि और ख़ूबसूरती इसमें आ जाए, मज़ीद यमी बने। ऊपर से मैं ये थोड़ा सा ओरिगानो है ये स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैंने ये एक एग योक ली है, इसको मैं इस तरह से साइड में इसके ऊपर ब्रश कर दूंगी। अंडे की जर्दी हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। चारों तरफ कर देंगे हम इसके। चारों तरफ मैंने इसके अंडे की जर्दी ब्रश कर दी है। अब हम इसको बेक करेंगे। ये मैंने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर स्टैंड रख दिया है और इसको प्री हीट कर लिया है। अब मैं ये बेकिंग ट्रे इसके अंदर रख दूंगी। और इसको कवर कर देंगे और इसको 25 से 30 मिनट्स के लिए हम बेक करने के लिए रख देंगे। फ्लेम लो कर देंगे और मैं आपको ओवन की टाइमिंग भी बता दूं। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो पहले आप ओवन को 180 सेल्सियस पर प्री हीट करेंगे और उसके बाद आप 180 सेल्सियस पर ही 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अब हम इसको बेक कर देंगे 30 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे कि पिज़्ज़ा बना है या नहीं।
यमी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छा बेक हुआ है। मैं इसको निकालूंगी बाहर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मज़ेदार चिकन चिली पिज़्ज़ा तैयार है और ये मैंने इटालियन रेस्टोरेंट स्टाइल आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है। बहुत ही डिलीशियस बनता है ये पिज़्ज़ा। ये चिकन चिली पिज़्ज़ा आप अपने फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब आप ये पिज़्ज़ा बनाएंगे तो सब लोग आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह सकेंगे। ये इतना मज़े का बनता है। और जब आप बनाएं तो फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना है। और आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।